नगर निगम भिलाई चरौदा द्वारा भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक में गुमटी में व्यवसाय करने वाले सभी व्यापारियों को उप तहसील के पास निगम द्वारा व्यवसाय के लिए बनाए गए नए गुमटी में स्थापित किया गया। गौरतलब है कि भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक का सौंदर्यीकरण किया जाना है। इसके लिए मंगलवार को चौक के किनारे स्थित गुमटियों का व्यवस्थापन किया गया। यह गुमटियां 4 लेन की दूसरी ओर स्थित तहसील भवन के पास शिफ्ट की गई। जल्द ही सिरसा गेट चौक के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं इसे लेकर महापौर निर्मल कोसरे एवं निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर ने कुछ इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी है। नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी इंक्रोचमेंट हैं, जिनकी लगातार शिकायतें मिल रही है, चूँकि नेशनल हाईवे में जिस समय वो प्रावधान आया होगा गुमटी निर्माण का, उस समय नेशनल हाईवे में उतनी व्यस्तता नहीं थी। आप देखे होंगे कि सिरसा गेट से लेके डबरापारा और डबरापारा से लेके कुम्हारी तक ट्रैफिक का काफ़ी लोड रहता है और लगातार दुर्घटनाएं घटित होती रहती है और मीडिया का सुर्खियां बना रहता है। इसलिए जितने भी हमारे नगर निगम भिलाई चरौदा के क्षेत्र में इंक्रोचमेंट भी होंगे या अव्यवस्थित होंगे, उसको व्यवस्थापन किया जा रहा है। अभी सिरसा गेट में जो गुमटियाँ आवंटन किया गया था, नियम यह है कि 15 साल ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल के लिए उन गुमटी का निर्धारण किया जाता है। उनकी लीज की अवधि जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम चूँकि सारे व्यापारी वहाँ पर दुकान लगाएं, हम लोगों ने उसको नोटिस दिया था कि अपने जो अंतिम राशि है गुमटी का नवीनीकरण के लिए, वो राशि आप लोग पटा दें। जिन लोगों का गुमटी आवंटन के लिए राशि पटा है उनको आवंटन किया जाएगा। जहाँ पर तहसील कार्यालय संचालित था टैक्सी स्टैंड के रूप में, वहाँ पर हम लोगों ने गुमटियाँ बना दिए हैं। जिस नंबर से यहाँ गुमटी का डिस्पेंटल किया गया है, उसी क्रम के आधार पर जिनका जिनका राशि नवीनीकरण के लिए पटा होगा उनको आवंटन किया जाएगा। गुमटी का मामला यह है, पहले सड़क चौड़ीकरण नहीं था, पहले ऐसी सिंगल रोड था, तो उस समय उसको दे दिया गया था। हमारा ही कार्यकाल में 2006-08 में दिया गया था, लेकिन आज गाड़ियां बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए उसको हटाना भी पड़ रहा है। दूसरा CM साहब का क्षेत्र है, वहाँ से उनको दिन भर गुजरना पड़ता है। वहाँ जो दुकानें हैं जाम हो जाता है, वहाँ पे जो भी गाड़ियां रख देती है वहाँ पे। तो हम लोग सोचे उसको इस बार जो गुमटियाँ बनाए हैं निगम के द्वारा, उसमें उन लोगों को शिफ्ट करा दिए हैं। अब उन लोगों का कहना भी है कि हम लोग को जगह पर्याप्त मिल रहा है, यहाँ पे संकीर्ण था और आने जाने में समस्या भी था, तो वो लोग तैयार हो गया। उनको उनके हिसाब से दुकान भी दे दिया गया है। हाँ, वहाँ व्यवस्थापन नहीं, सौंदर्यीकरण का प्लान है, क्योंकि हमारे नगर निगम भिलाई चरौदा कुम्हारी से निकलोगे आपको पता नहीं चलता, आपको सीधा डबरा पारे निकलने के बाद लगता है कि हम लोग निकल गए। तो वहाँ एक ऐसा निशान बनाएंगे नगर निगम भिलाई चरौदा का, जिसमें लोग वहाँ चौक पर गुजरे तो बोले कि नगर निगम भिलाई चरौदा, हम आगे ये पहचान रहे। इस कार्रवाई के पहले नगर निगम भिलाई चरौदा द्वारा सभी व्यवसायियों को नोटिस दिया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई 3 चरौदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।